हनीमून इतनी जल्दी? हनीमून शादी के फौरन बाद ही होता है ना, 10-20 साल बाद तो नहीं होता। मैं अपने बेटे को वो कल की आई हुई लड़की के हाथों खिलौना नहीं बनने दूंगी। भाई आप मेरे साथ जल्दी से चले। हुआ क्या है? अम्मी बाथरूम में गिर गई है, जल्दी चले। हम बाद में चले जाएंगे अम्मी, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, टिकट्स क्यों कैंसिल करवा रहे हो? मैं हूँ ना यहाँ पर। मैं हूँ, अलीजे है, हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। तू? अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों बहन भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहो। ये तो कारनामे खत्म होने में नहीं आ रहे, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। बिना वजह टेंशन ले रही है। नहीं, ऐसा क्या हुआ होगा भला कि उसकी बहन थाने ही पहुंच गई? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। मुझे तो बस अपनी बच्ची की फिक्र हो रही है रा। मी हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो गई उसे। फिर सजन ने दोबारा फोन क्यों नहीं किया और मेरा फोन उठा भी नहीं रही है वो। अम्मी आप एक काम करें, हमाद भाई से कहें कि वो अशर से बात करें। नहीं, जब तक असल बात का पता ना चल जाए ना, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो है अम्मी। सजल बहुत परेशान थी रा। अम्मी बात ही परेशानी वाली है, बस अल्लाह खैर करे। जब तक मुझे पूरी बात नहीं पता चल जाएगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, बिना वजह फिक्रमंद हो रही है। आपको वैसे ही ब्लड प्रेशर का इशू है। फिक्र करना मेरे बस में थोड़े ही है बेटे। अच्छा आपने तबीयत खराब कर ली अपनी तो, कोई और मसला हो गया तो? अरे छोड़ो मेरी फिक्र को, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। वो तो ठीक होगी अम्मी, लेकिन आप ना अपनी तबीयत खराब कर लेंगी, मुझे पता है। अच्छा खासा घूमने जा रहे थे वो दोनों, पता नहीं किसकी नजर लग गई उन्हें। अम्मी घूमने तो वो चंद रोज बाद भी जा सकती है। दुआ करो मेरी सजल बिल्कुल ठीक हो बेटे। मैं दुआ करूंगी अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आपने बस परेशान नहीं होना है। अच्छा सब खैर है ना? आपको क्या लग रहा है सचिन, क्या कोई परेशानी वाली बात है? पता नहीं, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। सजल आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? हम एयरपोर्ट जा रहे थे और आपको थाने जाना पड़ा, तो क्या मैं आपसे इतना भी नहीं पूछ सकती कि क्या हुआ है, क्या वजह है? मैंने आपसे कहा ना कि इस टॉपिक से दूर रहें तो दूर रहें। मैं भी तो इस खानदान का हिस्सा ही हूँ ना अशर। आप कैन यू जस्ट लीव मी अलोन? जैसे आपकी मर्जी। खानदान की इज्जत को अपने पैरों तले रोनते हुए शर्म नहीं आई तुझे? हाँ कर दे अम्मी, जो होना था हो चुका है। ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गई तू? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ये जो कुछ हुआ है ना ये आपकी वजह से हुआ है। क्या मेरी वजह से? क्या पागल हो गई है या दिमाग खराब हो गया तेरा? सही वक्त पर अगर आप मेरी शादी समीर से कर देती ना, तो आज आपको ये दिन देखने को नहीं मिलता। बड़ी बदकिस्मत है तू फरीन, बड़ी बदकिस्मत। तेरे अच्छे घर में तेरी शादी कराई हमने, लेकिन तूने उस लफंगे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर दिया। कौन सा अच्छा घर? बाहर से बहुत अच्छा दिखता था ये घर, लेकिन अंदर से कैसा था ये सिर्फ मुझे मालूम है।
पर तूने जो लोगों के साथ किया उसके बारे में मैं सब जानती हूँ। अम्मी अच्छा बस कर दे, वैसे भी रो रो कर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मजीद बातें नहीं सुन सकती मैं। सांस लेने दूं मैं तुझे, तेरा गला ना दबा दूं। बेशरम गई की, भाई को जलील करा के रख दिया सब जगह पे। असल में ये सब उस अयास कमबख्त की वजह से हुआ, उसने आके वहां पे इतना तमाशा किया, सब उसका कसूर है। हाँ हाँ, दुनिया में सब गलत है, सबका कसूर है सवाए तेरे। जाहिर सी बात है, अब भाई मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से गुजारूंगी ना, किसी और की मर्जी पर तो नहीं गुजारूंगी। अच्छा, और भाई की नजरों में जो आज गिर गई हो उसके बारे में क्या ख्याल? हाँ, उसकी है फिकर मुझे, लेकिन कर लूंगी मैं हैंडल, आप ज्यादा परेशान ना हो। हैंडल कर लूंगी, मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। जिंदगी में पहली बार मैंने अशर को इतने गुस्से में देखा है। जाहिर सी बात है, कोई आदमी थाने जाएगा तो गुस्सा तो आएगा ना उसको। हाँ तो तुझे इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी मनुस? क्या जरूरत थी उस लफंगे से होटल में मिलने की? अरे तो मुझे क्या पता था कि वहां पे अयाज आ जाएगा, मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है ये सब। और ये समीर की बहन का क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं है। मतलब? मतलब ये कि बस मैंने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया था, कोई किस्सा नहीं है बहन का। अल्लाह मैं क्या करूं इस लड़की का। मैंने रिश्ता तय होते ही डिसाइड कर लिया था कि हनीमून के लिए हम कहाँ नहीं जाएंगे। अरे उसके अलावा भी तो बहुत सी जगह हैं जहाँ हम जा सकते हैं। बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पर झील सैफ अल मलूक तो नहीं है ना? हाँ, आपको पता है वहाँ जो परियों की कहानी है ना, वो पढ़ी है मैंने। और आज भी लोग कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है ना तो परियां झील पर उतर आती हैं। आई एम श्योर उतरती हूँ, लेकिन हम वो परियां साथ में देखेंगे। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहां से लाऊं। झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल कल्लिया। सिंपल सी बात है, बद किरदार औरत है ये। अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों बहन भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहो। आज तो तुम मुझे एक बात साफ साफ बता दो, मेरी और मेरी बेटियों की कोई इज्जत है कि नहीं, या सबने हमें लावारिसी से बच लिया है? हुआ क्या है अम्मी, आप ऐसे क्यों बात कर रही? ये सवाल जाके तुम अपनी बीवी से पूछो, जिसने अपने आप को हमारा हाकिम बना लिया है। सज्जल, सज्जल ने क्या किया? अरे दिल दुखाया है, एक माँ का दिल दो कोड़ी की इज्जत करके रख दी हमारी। घर में लोग बहुएं इसलिए नहीं कराते कि घर की इज्जत वो बाहर निलाम करे। अच्छा मुझे बताएं तो सही ना, हुआ क्या, ऐसे कैसे पता चलेगा? घर की बात बाहर की है उसने। अच्छा आप बैठ बैठे तो बैठ तो जाए ना, आप बैठ के बताएं मुझे। अब बताएं मुझे क्या किया सजल ने? उसने तो फरीद के आने का इंतजार भी नहीं किया, ना मेरी बच्ची से ये पूछा कि उस पे क्या गुजरी है किस हाल में, झट से माँ को फोन लगा के बता दिया कि फरीद थाने में।
सज्जल ने कॉल की? बेटा तुम खुद ही बताओ, जब घर वाले ही पर्दा नहीं रखेंगे तो बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे? अम्मा नहीं, अम्मी आपको आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसा क्यों करेगी? अरे वाह बेटा वाह, बहन की गलतियों पे तो बड़बड़ के बोल रहे थे तुम, अब बीवी की बात आई तो माँ को झुठला रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा वो क्यों करेगी। यकीन नहीं आ रहा तो जाके पूछो अपनी बीवी से कि फोन पे माँ को क्या बता रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? जाके पूछो ना। अच्छा चाहता हूँ आप गुस्सा ना करें प्लीज। नहीं अभी पूछो जाके उससे। जा रहा हूँ, रिलैक्स काम। घर की बातें माँ को बताएगी, इसका तो दिमाग करती हूँ मैं सही। किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है, तुम्हें भी मुझ पे यकीन नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पानी पी लें प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी को मुझ पर एतबार नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, पानी पी लें, आप थोड़ा बेहतर फील करेंगे। कुछ ठीक नहीं होगा। अशर ये क्या कर रहे हैं आप? जब आप किसी की इज्जत नहीं कर सकती ना, ना ही उसका पास रख सकती, तो ये झूठी हमदर्दी करने की भी जरूरत नहीं। मैंने क्या किया है अशर? सजल आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अशर हो गया इसको, इससे क्या हो गया? ये तो सज्जल से ठीक से बात भी नहीं कर रहा। सर क्या हुआ है आपको? आप मुझे ये बताएं कि आपने ये किया क्या है? मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? क्या जरूरत थी अपनी अम्मी को ये बताने की कि फरी थाने में थी? वो तो मैं अम्मी से, एक्चुअली मैं अम्मी से बात कर रही। क्यों बात कर रही थी आप उनसे? क्या सोचकर बताया आपने उन्हें सब कुछ? वो मैं अशर, क्या मैं, आप क्या चाहती कि मेरा और मेरे घर वालों का तमाशा बन जाए? कैसी बातें कर रहे हैं आप अशर, खुदा ना ख्वास्ता मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? सोच नहीं सकती लेकिन कर सकती। काश्वरी को आपने अपनी बहन समझा होता ना तो आप कभी भी ऐसा ना करती। मैं उनको अपनी बहन ही समझती हूँ अशर। अगर आपने उन्हें अपनी बहन समझा होता ना तो आप ये सब कुछ छुपाती, इस तरह से बताती नहीं फिर रही होती सबको। आपने सिर्फ फरी की बेइज्जती नहीं की, मेरी भी बेइज्जती की, लेकिन आप ये रियलाइज ही नहीं कर पा रही। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं आप? बात को मैं बढ़ा रहा हूँ या बात को आपने बढ़ाया है? ये कोई बात है दूसरों को बताने वाली? दूसरी नहीं है, वो अम्मी है मेरी, उनसे बात करी थी और मेरा वो मतलब नहीं था। सजल आपकी अम्मी मेरे घर का फर्द नहीं है, मेरी बहन की बात इस तरह से सबको बताने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। सॉरी अशर, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था, मैं अम्मी से किसी और तरह से बात कर रही थी। कोई अवार्ड नहीं जीती थी फरी जिसको इस तरह से प्रमोट कर रही थी आप। कर रहे हैं अभी
हेलो परी, क्या हाल है? ठीक नहीं है हाल। घरवालों ने कोई सख्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ? पहले अम्मी ने बहुत डांटा मुझे, और फिर भाई मुझसे जिंदगी में पहली मर्तबा नाराज हो गया। ये सब उस अयास की वजह से हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बेड़ा गर्क उस आदमी का सब उसी की वजह से हो रहा है। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊं और उसको इतना मारूं ना कि नहीं 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 ऐसा कुछ मत करना प्लीज, मेरे सर पे एक और मुसीबत आ जाएगी। देखो फिर एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना, अब हो गया, अब एटलीस्ट हम इत्मीनान से मिल तो सकेंगे ना। तुम बहुत इजी ले रहे हो समीर, मेरे लिए यहाँ बहुत मुश्किलात हो गई हैं। क्या हुआ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? समीर अशर बहुत गुस्से में है, वो ना मेरी कोई बात सुनना चाहता है ना समझना चाहता है, उसको मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है। हाँ तो छोड़ दो ना, बस एक दो दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। समीर बात थाने तक चली गई है, कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं होता, थोड़े दिनों की बात है, फिर वो अशर का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। तब तक हमें रابطہ कम करना पड़ेगा। फरीब क्या कह रही हो तुम, मैं तुमसे बात किए बगैर कैसे रहूंगा? बस रह लोगे? देखो अब ये बहुत मुश्किल इम्तिहान में डाल रही हो तुम मुझे। और कोई रास्ता नहीं है समीर, मैं मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है बाद में बात करते हैं, अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी तुमने चाय के लिए। बस आग कहाँ जा रहे हो बेटा? अयाज से बात करनी। अयाज से बात करने? क्यों, खैरियत? ताकि मैं उससे ये पूछ सकूं कि ये जो मेरे घर में तमाशा लगा है उसका इसके पास क्या जवाब। उनसे पूछ सकूं कि आखिर वो चाहते क्या। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। अम्मी मुझे जाना है वहां। क्यों क्यों जाना है तुम्हें उसके पास? क्या बात करना चाहते हो तुम उससे? जैसे वो तुम्हारी हर बात का ठीक ठीक जवाब दे देगा तुम्हें? तुम क्या चाहते हो कि वो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे? यही चाहते हो ना तुम? तो आप क्या चाहती कि मैं यहां हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, जिल्लत के घूंट पीता रहूं, खामोश रहूं? बेटा मैं तो ये कह रही हूँ कि इस तरह गुस्से में जाके वहां मसला हल करोगे, इस तरह तो बात और बिगड़ जाएगी। बिगड़ती है तो बिगड़ जाए अम्मी, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। इसको तो अब तुम अपने पास ही रखो, जहेज का सामान और कागजात वगैरह मिल जाएंगे तुम्हें।
अंदाज आप। मैं भी आपसे ही बात करने आ रहा था। यह भी अच्छा है, बल्कि मैं खुद इस मामले को निपटाने आया हूं। भाई कल जो भी हुआ मुझे उसके लिए अफसोस है। कल जो भी हुआ, सौरत ने हमारे रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपको भी तो तहम्मुल से काम लेना चाहिए। घर की बात कोई थाने में तो नहीं लेकर जाता ना? घर? किस घर की बात कर रहे हो अशर? जो सौरत ने बर्बाद कर दिया। इस जैसी औरत घर में रखने के लायक है? अयाज भाई, अब आप जाते हैं। नहीं, जाती नहीं कर रहा मैं, जाती नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मुश्किल आसान कर रहा हूं। खैर, इसको तो अब तुम अपने पास ही रखो, जहेज का सामान और कागजात वगैरह मिल जाएंगे तुम्हें। और तुम परहीन में अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। अयास बेटा नहीं, ऐसी फरीद, सच्चे फरीद क्यों? फरीद, फरीद, मेरा बच्चा, फरीद, मेरा बच्चा, फरीद उठना, सज्जन जल्दी से पानी लेकर आओ, अशर देखो ना मेरी बच्ची, तेरा बच्चा, जल्दी से लेकर आओ पानी, सज्जन, क्या ना? जल्दी से, फरीद, फरीद बाजी, ना मेरी, फरीद बाजी, उठ मेरा बच्चा। अम्मी, ये वो क्या कहकर चला गया? अम्मी, मैं तो बर्बाद हो गई, यार ना ये क्या हो गया मेरे साथ? बस मेरा बच्चा, बस सबर कर, तेरी किस्मत में यही लिखा था। अम्मी, अब वो क्यों चले गए इतनी जल्दी? या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब में तूने ये सब कुछ क्यों लिख दिया? अम्मी, आज अगर अबू होते ना, इस आदमी की मजाल नहीं होती कि सब मुझे बोल के जाए। मेरे लिए कोई नहीं है, अब कोई नहीं है। एक बाजी हौसला रखे आप, बेटे की शादी की थी, क्या पता था कि बेटे का घर उजड़ जाएगा, घर बर्बाद हो गया। अम्मी, लगता है खुशियां तो हमें रास ही नहीं है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी जिंदगी को, हमारी खुशियों को। अम्मी, अब रोने से कोई फायदा नहीं। अम्मी, पहले ध्यान रखना चाहिए था, इन सब बातों के बारे में पहले सोचना चाहिए था आपको। अम्मी, मेरा क्या होगा? फिकर नहीं कर, अभी तेरी माँ जिंदा है बेटा, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ना करें ये सब कुछ अम्मी, संभाले खुद को, इस शोर शराबे से सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं होगा।
घर बर्बाद हो गया अम्मी। क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ पागल हो गया हूँ मैं। ये सब क्या कर रहे हो तुम? उस बदकिरदार लड़की की सारी निशानियां अपनी जिंदगी से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ है बताओ तो, क्या हुआ है? तलाक देकर आ रहा हूँ मैं उसे। सदा? अरे तो सात पुश्तों में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या किया तुमने? और हमारी सात पुश्तों में ऐसी खून पीने वाली डायन भी तो कभी नहीं आई। अल्लाह, क्या अजाब आ गया हमारी जिंदगी में। जो हुआ ठीक हुआ अम्मी, उसकी मजीद बदकिरदारियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन बेटा। अम्मा बस, इस बात को अब खत्म करें। जो होना था हो गया, क्लोज हो गया अब ये चैप्टर। इतने अरमानों से तुम्हारी शादी इस दिन के लिए की थी कि एक साल के अंदर अंदर ही तुम्हारा घर टूट जाए। एक साल की आम्मी, उसने तो पहले दिन से ही घर बसाने की कोशिश नहीं की। अच्छा चलो बेटा, तुम हिम्मत से काम लो। हिम्मत करूंगा, सारी जिंदगी तबाह करके रख दी है इसने मेरी। बैठो। अच्छा बैठो, तुम बैठ जाओ मेरा बच्चा। क्या हौसला रखो अम्मी, अभी तो मैं अपनी इज्जत की धज्जियां बिखरते हुए देख रहा हूं, अपने वकार के टुकड़े चुनने में लगा हूं मैं। पानी पी लें। प्यास नहीं है मुझे। ये क्या बात हुई? आंटी को हौसला हिम्मत देने की बजाय आप खुद हिम्मत हार गए हैं। मेरा दिमाग माउफ हो रहा है। अब्बा के आखिरी वक्त में उनसे प्रॉमिस किया था कि अपनी बहनों का ख्याल रखूंगा, उन्हें हर तरीके से खुश रखूंगा, लेकिन हार गया, ऐसा कुछ भी नहीं कर सका। ऐसा मत सोचे, आपने बड़ी मोहब्बत और खलूस से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। लेकिन फायदा क्या हुआ? फरी का घर तो टूट गया ना। किस्मत में यही लिखा था। किस्मत में लिखा था या नहीं लिखा था, मुझसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही जरूर हुई। आप हिम्मत ना हारे, आपने जितनी सख्त थी आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, और अल्लाह ने आपका साथ दिया, और मुझे यकीन है आगे भी अल्लाह आपका साथ देगा। सजल, सजल मुझे ऐसा लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ।
और मेरी आंख जैसे ही खुलेगी ये सब कुछ ठीक हो चुका होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसा मत सोचो, जिंदगी में आजमाइशें आती हैं और उनको फेस करना चाहिए। मुश्किलात तो खत्म नहीं होंगी परेशान होने से, अलबत्ता भर जरूर सकती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने मैंने सब कुछ किया था, हर तरीके से तहकीक की थी, उनका हर तकाजा पूरा किया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदगी की हर चीज हमारे इख्तियार में नहीं होती है, नसीब में आजमाइशें भी होती हैं जो सहनी पड़ती हैं। आजमाइश? तुम इसे आजमाइश कहती हो? आजमाइश नहीं है, आजाब है, आजाब। वैसे एक बात कहूं, आपको देखकर लगता नहीं था कि आप इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। चोट बहुत गहरी लगी है ना सचल, शायद तुम अंदाजा नहीं कर पा रही। साथ मिलकर सह लेंगे, अब मैं भी तो हूं आपके साथ। शुक्र शुक्र है तुम हो साथ, तुम हो मेरी जिंदगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, कहाँ हो तुम? अम्मी बता रही थी कोई मसला हो गया है जिसकी वजह से तुम लोग हनीमून नहीं जा सके। जी ऐसा ही है। खैरियत तो है? खैरियत नहीं है। क्या हुआ? वो एक्चुअली फरी को रिवोर्स हो गई है। तो क्या? जी ये तो बहुत गलत हुआ। अगर तुम कहो तो मैं और अम्मी आए तुमसे मिलने। नहीं नहीं, वो अभी फरी सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी को फेस कर सकें, तो बाद में मैं बता दूंगा आपको। मैं समझता हूँ। अशर तुम मेरे भाई जैसे हो, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मुझे आकर कह देना। जी अम्माद भाई, थैंक यू, मैं कह दूंगा आपसे। चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है? अशर की बहन को तलाक हो गई है। या अल्लाह, खैर कि कैसे हो गया? अल्लाह ही जाने। देखो जरा, अभी भाई की शादी हुई थी और अब बहन का घर ही उजड़ गया है। अफसोस हुआ। नहीं, अभी हम किसी सूरत में नहीं मिल सकते हैं। पर क्यों? अब तो ये मामला खत्म हो गया ना। समीर समझने की कोशिश करो, वैसे भी ना अशर को शक हो गया कि वहां कोई लड़की वड़की नहीं थी। फरीन, तो इसमें इतनी क्या मसले की बात है? मैं करता हूं ना कुछ। अरे तुम रहने दो। देखो अगर अम्मी को पता चल गया ना कि तुम्हारा फोन आया हुआ है, वो तुम्हारी और मेरी हम दोनों की चटनी बना देंगे। एक बार मुझे घर आने दो बस। तुम देखना, दो मिनट में उनको कन्विंस कर लूंगा मैं। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करके अब तू मुझे उल्लू बनाएगा? तू आ मेरे सामने, आ मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। आंटी आंटी प्लीज मेरी बात सुने पहले आप। एक लफ्ज नहीं सुनना मैंने, तू दफा क्यों नहीं हो जाता हमारी जिंदगियों से? मैं इधर दे यार, क्या हो गया आपको? बे शर्म, तेरी रिटाई की कोई हद है कि नहीं? हाँ, अपना घर तबाह करके अभी भी सुधरी नहीं है तू? अम्मी क्या मसला है यार, हर बात में मेरे पे हाथ उठा लेती हैं आप। पता जी क्या चाहती हैं मुझसे? मेरा बच्चा थोड़ी आनी हो, परेशानी हो, ऐसे थोड़ी करते हैं कोई। यहाँ क्या नया तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने?
अशर, अशर, देखो कह रही है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती क्योंकि अब मेरे ऊपर तलाक का धब्बा जो लग गया, अब भला बताओ ऐसा कोई करता है क्या? जो किया आपने खुद किया है, उसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं, फिर इस सब का क्या मतलब है? अशर, मैंने तो तलाक नहीं मांगी थी। जो हरकत आपने की थी ना, कोई भी शरीफ आदमी सिवाय तलाक देने के और क्या कर सकता है उस सिचुएशन में? अम्मी, इससे बेहतर था कि आप मुझे मरने दे देती। जब भाई को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इससे बेहतर मैं मर जाऊं, मैं अपना हाथ काट लूंगी आज। नहीं नहीं किरण, आपको मैं मार दूंगी, अपने आप पागल हो गई है, मुझे काट लूंगी अपना हाथ। नहीं 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 नहीं, पागल हो गई, मुझे मर जाने दे अम्मी। नहीं मेरा बच्चा, नहीं। ड्रामा खत्म हो गया आपका, ये और करना कर लें। तलाक हुई है आपकी, बजाय ये कि शर्मिंदा हो, कोई अफसोस हो आपको, आप मजीद ड्रामेबाजियों में लगी हैं। अशर, क्या हो गया तुम? तो मेरी बात तो समझो। आपके चक्कर में मुझे थाने जाना पड़ा, इतनी जिल्लत आज तक नहीं उठाई मैंने। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके कत्ल के इल्जाम में मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूं? नहीं अशर, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आप क्या चाहेंगी और क्या नहीं चाहेंगी ये मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि आपको एक शरीफ घर में भी आया था, उसका रिजल्ट मेरे सामने। नहीं अशर, मेरी बात सुनो। देख लिया तूने, अपने करतूतों का अंजाम देख लिया, भाई हत्या से अखड़ गया है। मम्मी, हर बात में मुझे मारती क्यों है आप? कितनी बदनसीब लड़की है तू, हाँ? तूने कभी सोचा है कि अशर का दिल तुझसे बददिल हो गया तो तेरा क्या होगा? मैंने कौन सा पूरी जिंदगी इसी घर में रहना है? बस एक बार मेरी इद्दत खत्म हो जाए, फिर मेरा समीर आएगा, मेरा रिश्ता मांगकर मुझे यहां से ले जाएगा, ठीक है? तुझे अपने घर बर्बाद होने का कोई दुख, कोई अफसोस नहीं? किस बात का दुख? भूल गए हैं? मेरी शादी अयाज से आपने जबरदस्ती करवाई थी।